Assalamu alaikum, all three students. How are you all? I hope you will be fine. Today we will do our maths work. Open page number 34. Now the topic is recognition of sorting and grouping. Recognition कहते हैं पहचान को, sorting कहते हैं दर्जाबंदी करना, अलग करना. जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनको उनकी properties के according हम groups में divide करते हैं, उनको classify करते हैं, उसको कहते हैं sorting and grouping. फिर उनके groups बनाते हैं. जैसे हमारी डिफरेंट स्कूल में डिफरेंट क्लासेस होती है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ करैक्टरिस्टिक्स की बिना पर हम उनके ग्रुप बना देते हैं, क्लासेस बना देते हैं. उसको कहते हैं ग्रुपिंग करना या फिर क्लासीफाई करना. इसमें हमारे पास जो स्किल्स हैं वो हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स हैं, सॉर्ट एंड ग्रुप ऑब्जेक्ट्स, क्लासीफाई बेस्ड ऑन सिंगल एट्रीब्यूट. एट्रीब्यूट कहते हैं उनकी सिफात की बिना पर, उनकी करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर, जैसे कलर और साइज. एंड बेस्ड ऑन टू एट्रीब्यूट्स, कलर, वेट, साइज, नंबर ऑफ साइड्स. नेक्स्ट है ग्रुप ऑब्जेक्ट्स टुगेदर असेंडिंग टू देयर शेप्स एंड कलर्स. नोट फॉर पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, वॉच द गिवन वीडियो एंड हेल्प योर चाइल्ड टू कम्प्लीट द गिवन टास्क. आपने इस QR कोड को स्कैन करके वीडियो देख लेनी है ताकि आप बच्चों की हेल्प कर सकें. नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द बॉल्स. हमने क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, इसका पहला पार्ट क्या है, सर्कल द बॉल्स. हमने ये जितनी भी बॉल्स नज़र आ रही हैं उनको हमने सर्कल कर लेना है. क्रॉस आउट द आइसक्रीम्स, हमने आइसक्रीम को क्रॉस करना है. ड्रॉ स्क्वायर अराउंड द सनग्लासेस, यहाँ पे जो सनग्लासेस की पिक्चर है हमने इसके अराउंड एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेना है. राइट द टोटल. नेक्स्ट फिर नीचे पिक्चर के साथ एक बॉक्स दिया गया है जो कि एम्प्टी है. यहाँ से हमने काउंट करके उनके नंबर्स राइट करने हैं कि आइसक्रीम कितनी है, बॉल्स कितनी हैं और फिर सनग्लासेस कितनी है. चलें स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले उन्होंने कहा था सर्कल द बॉल्स, तो हमने यहाँ पे बॉल्स को सर्कल करना है वन बाय वन. वन, साथ साथ काउंटिंग भी करते जाएँ. टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन एंड टेन एंड द लास्ट वन इज इलेवन. तो हमारे पास कितनी बॉल्स आ गई, इलेवन. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन. तो हमारे पास बॉल्स कितनी हैं, इलेवन. जहाँ पे आपको बॉल की पिक्चर नज़र आए उसके सामने वाले बॉक्स में हमने नंबर इलेवन राइट कर देना है लाइक दिस. उसके बाद क्रॉस आउट द आइसक्रीम्स, हमने आइसक्रीम को क्रॉस करना है जस्ट लाइक दिस. अब हम इसे काउंट कर लेते हैं कि कितनी आइसक्रीम्स हैं हमारे पास. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट. हाउ मैनी आइसक्रीम्स आर देयर, एट आइसक्रीम्स. ओके, अब हम सनग्लासेस को देखते हैं. सनग्लासेस के अराउंड हमने सर स्क्वायर ड्रॉ करना है. वन, ये रेक्टेंगल की शेप बन रही है क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है. टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट. नाउ द टोटल नंबर इज एट. अगेन काउंट कर लेते हैं. वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट. तो हमारे पास जो सन ग्लासेस हैं वो भी क्या हैं, एट हैं. ठीक है, अब प्यारे बच्चों आपने ऐसे ही ये वाला टास्क कंप्लीट कर लेना है. आपने अच्छा अच्छा नीट नीट वर्क करना है आपने, ताकि आपकी टीचर को लगे बच्चे ने बड़ी मेहनत से और दिल लगा के काम किया है. जान नहीं छुड़वानी आप लोगों ने. ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.